ये बात प्राचीन समय की है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है और गुरु से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, केंद्रित करो, लेकिन मेरी दुविधा ये है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ और जब मैं मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन बार बार और भागता है। उस समय मेरा मन बाहर की ओर भागता है और जब मैं उठकर बाहर की ओर जाता हूँ तो मेरा मन ज्ञान और एकाग्रता की ओर भागता है। मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं मन उसके विपरीत काम करने की कोशिश करता है। जब हमारा पेट भर जाए तो मन उपवास के बारे में विचार करता है और जब हम उपवास करें तो मन भोजन ग्रहण करने के लिए उकसाता है। मेरा मन बहुत ही भटका हुआ है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, हे गुरुदेव मैं इसे कैसे रोकूं। शिष्य की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, भटक जाना मन का स्वभाव है। मन कभी भी वहां नहीं होता है जहां पर आप होते हो, मन हमेशा वहां होता है जहां आप नहीं होते। वह हमेशा अज्ञात की ओर भागता है और जो ज्ञात है, जो मिल चुका है, उसे वह छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है मन उसके पीछे लगातार भागेगा। शिष्य फिर कहते हैं, हे गुरुदेव तो इस स्थिति में मन को कैसे एकाग्र करे? मन को एकाग्र करना तो असंभव वाली बात है। गुरु ने कहा, मन को एकाग्र करना संभव है, लेकिन तुम्हें इस बात को पहले समझना होगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वह जो मन से छुटकारा पाना चाहते हैं। जो लोग मन से छुटकारा चाहते हैं वह जिंदगी भर भी कोशिश करे तो मन से छुटकारा संभव नहीं हो पाता उसके लिए, क्योंकि हम मन से जितना अधिक भागेंगे, जितना अधिक मन से छूट जाना चाहेंगे, मन हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेता है। इसलिए जो मनुष्य इससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह इसे कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव आपने कहा कि जो मन से छुटकारा पाना चाहते हैं मन उसे और जोर से पकड़ लेता है, मैं आपकी ये बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया सीधे सीधे समझाइए। गुरु कहते हैं, तुम्हें इस बात को ठीक से समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। फिर गुरु और शिष्य दोनों रास्ते पर चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते वे लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए? व्यक्ति ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है गुरुदेव, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मुझे मात्र एक झोपड़ी मिल जाए ताकि मैं उस झोपड़ी के अंदर अपना निवास कर सकूं। जिस तरह मैं अभी बाहर सो रहा हूँ शायद इससे मैं बच जाऊं, क्योंकि मुझे बाहर में आकाश के नीचे सोना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात सभी में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए मेरी इच्छा इतनी ही है कि मुझे बस एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाए। व्यक्ति की बातें सुनकर गुरु अपने शिष्य को और आगे ले जाते हैं। आगे चलते चलते वे एक झोपड़ी के बाहर एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखता है जो बहुत ही परेशान था। गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरे पास तो एक ही झोपड़ी है और हर बार जब भी बारिश आती है सारी झोपड़ी से पानी टपकता है, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। इसी तरह कल रात को बारिश हुई और सारी रात झोपड़ी के अंदर बारिश गिरता रहा, मैं बहुत ही परेशान था, रात भर सो नहीं पाया हूँ गुरुदेव, काश मेरे पास एक पक्का मकान होता। गुरु अपने शिष्य को लेकर उस मार्ग पर और आगे बढ़ चले और एक व्यक्ति के घर पहुंचे। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम संतुष्ट हो अपने जीवन से, क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव वैसे तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ही खुश भी हूँ, लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है कि काश मेरा घर और बड़ा होता ताकि जब भी मेहमान आते हैं तो मैं उसे ठीक से खातिरदारी कर सकूं, उसे ठीक से बिठा सकूं। व्यक्ति की ये बातें सुनकर शिष्य ने उनसे तुरंत कहा, परंतु आपके पास तो पक्का घर है, मकान है, इसमें बरसात का पानी भी नहीं टपकता है। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पास तो है, परंतु अगर घर बड़ा होता, एक छोटा महल जैसा होता तो मेरा सपना पूरा हो जाता। फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर और आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते चलते एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, मानो कि महल जैसा घर है। गुरु वहां पर जाते हैं और महल से निकला एक व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, आप तो अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे, आप बहुत ही भाग्यशाली है। व्यक्ति कहते हैं, ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, मेरा घर तो अवश्य ही महल जैसा है, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन यहाँ पर इस गांव में मेरे से भी बड़े व्यापारी हैं, और अगर आप उनका घर देखोगे तो आप भी उनके घर की प्रशंसा जरूर करोगे, क्योंकि पूरे गाँव वाले लोग उनके महल की प्रशंसा करते हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं उसके जैसा बड़ा व्यापारी बनूं ताकि उनके जैसा मैं महल बना सकूं और लोग मेरे भी महल को बहुत ही प्रशंसा करें। उनका महल बहुत ही आकर्षणीय है, बहुत ही सुंदर है, हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। मेरी यही इच्छा है कि मेरा घर भी वैसे ही बने। फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर उस बड़े व्यापारी के पास पहुंचा, परंतु ये क्या, बड़ा व्यापारी तो अंधा था। गुरु व्यापारी के पास पहुंचे और कहा,
आपकी कोई इच्छा या कोई सपना है या कोई चीज है जो आप पाना चाहते हैं? व्यापारी कहते हैं, हे गुरुदेव, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इस बनाने वाले से एक शिकायत अवश्य है। मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास धन है, महल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत ही गरीब पाता हूँ। जिस दुनिया को एक भिखारी भी देख सकता है, जिस धन संपत्ति को, जिस महल को एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी देख सकता है, मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही रंग है और वह भी काला। अगर मेरी सारी धन दौलत सब कुछ देकर भी मुझे आंखें मिल सके, और वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए आंखें मिल सके, तो भी मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, चाहे मुझे सड़क पर भिखारी की तरह ही क्यों न रहना पड़े। गुरु ने शिष्य से कहा, वत्स, अब तुम ही मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर सारे लोग गरीब है या इनमें कोई अमीर भी है? क्या इस दुनिया में एक सड़क पर रहने वाला या इस महल में रहने वाला सबसे बड़ा व्यापारी कौन गरीब है और कौन अमीर है? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी गरीब है, और जिसके पास सब कुछ है वह भी गरीब है। इन सभी के पास तो बहुत कुछ है, और जो है उन्हें वह नहीं चाहिए, और इन सभी के पास जो नहीं है उसकी कामना का दुख वह लगातार लेकर घूम रहे हैं। गुरु ने कहा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इन सभी को सुख चाहिए, लेकिन इनके पास जो सुख है वह इन्हें नहीं चाहिए, जो नहीं है वही चाहिए। यही तो मन है, यही तो मन की माया है, यही तो मन का व्यवहार है। यहाँ पर सभी लोग मन से छुटकारा भी चाहते हैं, और मन उन्हें बुरी तरह से पकड़ लेता है, यही मन का स्वभाव भी है। शिष्य ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि मन से छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन से छुटकारा उन्हें ही मिलता है जो मन से छुटकारा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो लोग मन से छुटकारा चाहेंगे तो मन उन्हें और जोर से पकड़ लेता है, और जो लोग मन से छुटकारा नहीं चाहेंगे तो मन से छुटकारा उन्हें मिल जाता है। लेकिन जरा समझो, जब तुम चाहोगे नहीं तो वह छोड़ेगा क्यों? गुरु ने कहा, यह बात समझने की है। जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन को जान लिया, उसे पहचान लिया, उसे मन से छुटकारा पाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जो मन को नहीं जान पाया वह जीवन भर बस छुटकारा पाने के चक्कर में ही रहा, और लगातार मन के जाल में फंसता चला गया। अभी तुम जिन जिन लोगों से मिले हो वह सभी मन के जाल में फंस चुके हैं, और वह तब तक बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक कि ये लोग मन को समझना शुरू नहीं कर देंगे। शिष्य ने फिर कहा, पर हे गुरुदेव, मन को कैसे समझा जाए? गुरु ने कहा, इसे समझना उतना आसान नहीं है। मन एक दो धारी तलवार की तरह है, जो आगे से भी वार करता है और पीछे से भी वार करता है। इसकी खासियत अगर समझोगे तो दुनिया की हर चीज हमारा नुकसान भी करती है और हर चीज हमारा फायदा भी करती है, लेकिन ये फायदा तभी करेगी जब हम उसके बारे में सही जानकारी रखेंगे। मन भी ऐसा ही है, वह बहुत ही शक्तिशाली है, पर उनकी शक्तियों को हम जानते नहीं है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर भी नियंत्रण कर लेता है, और हमें इस प्रकार से फंसा लेता है कि हम उसके जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक उदाहरण से समझो, अगर तुम किसी छोटे बच्चे को एक चाकू दे दोगे तो वह उस चाकू से क्या करेगा? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, वह उस चाकू से कुछ भी कर सकता है, अपने हाथ को काट सकता है, दूसरे पर वार कर सकता है, अपने आप पर वार कर सकता है, क्योंकि उसे चाकू का सही ज्ञान नहीं है, वह उस चाकू के प्रयोग से अनभिज्ञ है। गुरु ने कहा, और अगर उस चाकू की जानकारी उसे हो तब क्या होगा? तब शिष्य ने दोबारा से कहा, तब वह चाकू का सही इस्तेमाल कर सकता है, और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि वह इसका सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद ही कर सकता है। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा मन भी ऐसा ही है, यह दो धारी तलवार की तरह है। अगर तुमने इसे नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो यह तुम्हें लहूलुहान कर सकता है, और तुम्हारे साथ साथ तुमसे जुड़े सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिष्य ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु इस मन को कैसे समझा जा सकता है? यह कौन है जो इसे समझ सकता है? गुरु ने कहा, हर मनुष्य के पास अपना एक अलग मन है, जो बिल्कुल ही अलग है, उसके जैसा कोई और नहीं है, और इसे वह स्वयं ही समझ सकता है, कोई दूसरा इसमें मदद नहीं कर सकता। केवल ध्यान के माध्यम से वह अपने मन तक पहुंच सकता है, और ध्यान ही वह माध्यम है जो उसके मन से उन्हें परिचित करा सकता है। शिष्य फिर कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को ठीक से समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि हमारे जीवन में मन को दोष देकर उससे दूर भागा नहीं जा सकता, क्योंकि हम जितना दोष देकर मन से दूर भागना चाहेंगे, मन हमें और पकड़ता जाएगा, हमें और अपने जाल में फंसाता जाएगा। बल्कि मन को सही तरीके से समझकर, उन्हें पहचान कर, जान कर, उनका सही इस्तेमाल करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक होकर मन को जितना देखा जाए, हम अपने मन को उतना ही समझ पाएंगे। इसलिए नासमझी में जीवन बिताकर भूल से अच्छा है मन को समझकर उनका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।
क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।